हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे एक आने वाले आईपीओ के बारे में, मिसेज बैक्टर, जो लिस्ट होने वाला है अभी कुछ दिनों में, जो सब्सक्रिप्शन के लिए भी ओपन हुआ था। इसके एक एक पहलू पर हम बात करेंगे। क्या इसका लिस्टिंग प्राइस है, क्या इशू प्राइस है, क्या लिस्टिंग प्राइस है, क्या इसके फंडामेंटल्स है, मैनेजमेंट कैसी है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या फाइनेंशियल्स हैं इसके। क्योंकि किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपके आने वाले टाइम में ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूरी होती हैं बातें जानना। जैसे बर्गर किंग जो है उसके अंदर हुआ, तो हमें पहले से ही अपना माइंड सेट करना है कि हमें सिर्फ लिस्टिंग गेन करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है। जो अलॉटमेंट हुआ है, जिन्होंने प्राइस पे अप्लाई किया है इशू के लिए, अगर उनको मिलता है तो उनको क्या करना है, सिर्फ लिस्टिंग लेके निकलना है या फिर उसे लंबे टाइम तक रखना है, तो पहले ही हमें डिसाइड करना है। और सेकेंडली, जिनको नहीं मिलता है या जिन्होंने अप्लाई नहीं किया बट लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है, इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, हम स्टार्ट करते हैं। ये उसकी वेबसाइट है, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो मिसेज रजनी बैक्टर, जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की 1978 में, मिस्टर अनूप बैक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर। आप देख सकते हैं बिस्किट्स वगैरह बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, काफ़ी अच्छी जो इनकी कवरेज है, 102,600 मेट्रिक टन पर एनम। तो आप देख सकते हैं बिस्किट्स कुकीज पंजाब बेस्ड कंपनी है, तो सभी रजिस्ट्रेशन इनके पास हैं, सर्टिफिकेट्स इनके पास हैं, जो भी लाइन से चाहिए होते हैं। देखिए कंप्लीट साइट है और अच्छी साइट है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि इशू प्राइस किस पर आया है और कंपनी किस लिए ये पैसा लेना चाह रही है इशू आईपीओ से। जो पैसा ये लेना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, ऑब्जेक्टिव क्या है, द फंड रेज्ड थ्रू द मिसेज बैक्टर फूड आईपीओ आर प्रपोज टू बी यूटिलाइज टुवर्ड्स बिलो ऑब्जेक्ट्स टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ राजपुरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। एक राजपुरा में जो एक्सपेंशन कर रहे हैं प्रोजेक्ट का, उस वहाँ पैसा लगाया जाएगा, टू मीट जनरल कॉरपोरेट परपजेज। ठीक है, तो आईपीओ डेट जो थी, जो आईपीओ ओपन हुआ था 15 से 17 दिसंबर के लिए हुआ था। इशू जो हुआ था, बुक बिल्ड इशू है आईपीओ का, फेस वैल्यू 10 रखी गई है। आईपीओ का प्राइस 286 से 280 के आसपास का है और जो लिस्ट होगा ये वो 288 पे ही मतलब कि इशू होगा। मार्केट लॉट है 50 शेयर्स का, लिस्टिंग NSE BSE दोनों पर होगी और जो अलॉटमेंट डेट है वो 22 दिसंबर की रखी गई है। जिनको मिलता है उनके जो डीमैट में क्रेडिट होंगे वो 24 तारीख को होंगे। रिफंड जो इनिशिएट किया जाएगा वो 23 दिसंबर को किया जाएगा और लिस्टिंग डेट जो है 28 दिसंबर की है, मंडे की। तो जो आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है वो आप देख सकते हैं, मिसेज वेक्टर फूड आईपीओ इज सब्सक्राइब 198.02 टाइम्स ऑन 17th दिसंबर 2020 5 o'clock। पब्लिक इशू सब्सक्राइब 29.33 इंटू इन रिटेल कैटेगरी। आप जहां देख सकते हैं जो QIB है उसके अंदर 176.85 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, NII 620.86 टाइम्स, RII 29.33% इंटू टाइम्स, एम्प्लॉई 45.46 टाइम्स, टोटल जो मिलाकर होता है 198.02%। ये काफ़ी हिट हुआ है आईपीओ, काफ़ी ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। मिसेज बैक्टर फूड स्पेशलिस्ट आईपीओ इंफॉर्मेशन एनालिसिस, तो द लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ वंस टू QSR क्विक सप्लाई रिटेल चेन्स इन इंडिया हैज कम अप विद इट्स आईपीओ बट इज देयर फॉर इन्वेस्टर्स। आप देख लेते हैं जो स्कोर दिया गया है 19 का है 28 में से। The largest supplier of ones to quick service restaurants QSR chain like McD, Burger King, KFC and other in India. Mrs. Bector Foods Specialist is coming out with its IPO. Mrs. Bector belongs to the Punjab-based Srimaka Group. The group deals with a range of food products like sausage, snacks, jams, separate biscuits, bakery and others.
In 2013-14, group businesses were divided among three brothers with Mr. Anoop Bector heading Mrs. Bector's. तो अभी मिस्टर अनूप बेक्टर जो है उसे हेड कर रहे हैं और ये पंजाब बेस्ड कंपनी है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था. तो प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम बिस्किट्स. जो 65% रिवेन्यू आता है जो आया है FY20 का, वो 65% जो आया है प्रीमियम और मिड प्रीमियम बिस्किट से आया है. प्रीमियम बेकरी प्रोडक्ट्स जो रिवेन्यू का पार्ट है वो 34% के आसपास है. मिसेज बेक्टर सेल्स रेंज ऑफ बिस्किट सच एज कुकीज, क्रीम्स, क्रैकर्स, डाइजेस्टिव ग्लूकोज अंडर द पेरेंट ब्रांड मिसेज बेक्टर्स क्रीमिका. ऑन द अदर हैंड इट्स बेकरी डिवीजन सेल्स ब्रेड, बंस, पिज्जा बेसिस एंड केक अंडर द इंग्लिश जो ब्रांड नेम है वो इंग्लिश ओवन ब्रांड है इन दिल्ली NCR, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु. बेकरी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स इंक्लूडिंग QSR चेन. The company also export biscuits to around 64 countries, which accounted for 22% of the FY20 revenue. तो 64 countries में export भी करते हैं. जो FY20 का जो revenue था उसका 22% अगर लगाएं तो export से आता है इनका. और FY20 का अगर 65% लगाएं तो premium और mid premium segment से आता है biscuits में, और 34% जो है premium bakery से आता है इनका. With its focus mainly in North India, Mrs. Bector has a distribution reach of 458,000 जो है retail outlets हैं इनके under the biscuits division and over 14,000 retail outlets under bakery division. आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा network है इनका North India में. basically ये हैं जो focus है North India में ही है इनका. The company is still a minnow compared to other big प्लेयर्स जो ITC हैं, ब्रिटानिया है, तो उनके सामने ये अभी भी काफ़ी छोटा है, पार्ले जी हैं जैसे. इन FY20 इट हैड ए मार्केट शेयर ऑफ जस्ट 4.5% इन द प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट इन नॉर्थ इंडिया, वेयर एज इट्स मार्केट शेयर इन द ब्रांडेड ब्रेड मार्केट वॉज जस्ट 5%. तो देख सकते हैं बिलो 5% ही इनका मार्केट शेयर है वैसे. द कंपनी हैज एग्रेसिव प्लान टू परस्यू ग्रोथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अभी ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही काम करते हैं बेसिकली, जो मेजर फोकस है इनका, बट अदर पार्ट्स में भी ये फोकस करना चाहते हैं. एंड इज प्लानिंग टू गो फॉर 100 crore ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश इन 2023. ये कंपनीज ग्रोथ स्टोरी लुक्स प्रोमिसिंग, नाउ इट्स द एग्जीक्यूशन डैट वुड मैटर. तो ये आपने सबको देखा किस फील्ड में ये काम करते हैं, कितना कितना रिवेन्यू कहाँ से आता है, कितने इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं, कहाँ पर इनका मेन फोकस है, कितना इनका मार्केट शेयर है. तो इस बेस पे हम आगे बढ़ते हैं. अभी ये जो 40 करोड़ का, ऑन दी अदर हैंड द प्रोसीड्स फ्रॉम ए फ्रेश इशू ऑफ 40.54 करोड़ विल बी यूज टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन इट्स राजपुरा एक्सपेंशन प्लान विच इज एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग ए न्यू प्रोडक्शन लाइन फॉर बिस्किट्स. आप देख सकते हैं राजपुरा में जो एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं वहां पर ये पैसा लगना है 40.04, जो कि 2023 में रेडी हो जाएगा. अब इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क क्या है, मैनेजमेंट कैसी है और फाइनेंशियल्स कैसे है, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. स्ट्रेंथ है कंपनी कंट्रोल थ्रू इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग. द कंपनी हैज 6 इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अक्रॉस 5 states. इट हैज क्वालिटी सर्टिफिकेशन फ्रॉम वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज सच एज FSSC 22000, द USFDA, ब्रिटिश रिटेल एंड अदर्स. जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इंस्टीट्यूशनल QSR प्लेयर्स, ये इसकी स्ट्रेंथ है. द कंपनी हैज बीन एसोसिएटेड विद मैगडीज सिंस 96 एंड इट्स सोल सप्लायर ऑफ वंस इन इंडिया. आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है मैगडी के साथ 96 से, और सोल सप्लायर है, सिर्फ यही सप्लाई करता है वंस. और बिसाइड इट्स इज द लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ वंस टू अदर QSR चेन लाइक बर्गर किंग, KFC, कार्ल्स एंड अदर. इट्स रिलेशनशिप विद मल्टी नेशनल कंपनीज हैज हेल्प द कंपनी मेंटेन्स हाई एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन. तो अगर इनको सप्लाई कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड और क्वालिटी मेंटेन करनी ही पड़ेगी इनको. तो आप देख सकते हैं क्वालिटी मेंटेन हो रही है, सभी सर्टिफिकेट्स इनके पास हैं, 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इनके पास 5 states में. द स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, द कंपनी सेल्स इज बिस्कुट अंडर द ब्रांड नेम मिस्टर बेक्टर्स क्रीमिका, ऑल्दो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू यूज द ब्रांड नेम ओनली फॉर बिस्किट्स. क्रीमिका ब्रांड इज एसोसिएटेड विद द रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स लाइक सॉसेज, स्नैक्स, जैम, सेपरेट्स एंड अदर्स. दिस अम्ब्रेला ऑफ वेरियस ब्रांड प्रोवाइड्स बेटर विजिबिलिटी टू द कंपनी.
तो आप देख सकते हैं ये इसकी स्ट्रेंथ है, काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। रिस्क क्या है कंपनी के लिए वो भी हम देख लेते हैं। द कंपनी इज वल्नरेबल टू पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी चेंजेज। इट एक्सपोर्ट्स इट बिस्किट्स टू अराउंड 64 कंट्रीज इंक्लूडिंग टू अफ्रीकन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मीना एंड अदर्स। इन FY19 ओइंग टू पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन सर्टन अफ्रीकन कंट्रीज द कंपनी फेसेस इशूज लाइक डिलेड पेमेंट और इवन नॉन पेमेंट, देयरफॉर इट हैज टू रिड्यूस एक्सपोर्ट टू अफ्रीकन कंट्रीज। आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट में जो पॉलिटिकल या जो लोकल प्रॉब्लम्स होती है उस कंट्रीज की, उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स पहले भी फेस करनी पड़ी है, तो वहाँ पर एक्सपोर्ट इन्होंने रिड्यूस किया है। आप देख सकते हैं ए फॉर्मिडेबल FMCG business is built on a strong distribution channel. Despite focusing to the North India market, the company's retail touchpoint is just 4 lakh, is less than 1/4 part of Parle G. आप देख सकते हैं पार्ले के कंपैरिजन में जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही छोटा है, इवन इन नॉर्थ इंडिया। द कंपनी इज रिस्ट्रिक्टेड टू यूज द ब्रांड मिसेज बैक्टर्स क्रीमिका ओनली फॉर द बिस्किट सेगमेंट। फॉर लॉन्चिंग न्यू ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स इट विल नीड टू कॉन्स्टिट्यूशनली इनक्योर एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपेंसिस विच कैन इफेक्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो नए प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करेंगे उसके लिए इनको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी और ब्रांड को बनाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो भी करने पड़ेंगे, जो इनकी प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट होंगे उसी में से निकलेंगे, तो प्रॉफिट कम हो सकता है, ये एक रिस्क है। During the last 3 years till March 20, company spent roughly 1.6% to 2% of the revenue on ad expenses, which was the lower than bigger players. जो bigger players हैं वो जो expand कर रहे हैं वो 4% के आसपास कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे Britannia जो है, Britannia industry which has been largest market share in Indian branded biscuit, 4% of revenue वो advertising और marketing भी expand करते हैं। The company operates in highly competitive biscuit and bakery industry. In both the industry, the company may know. In the biscuit division, it has a market share of just 1% of branded biscuits division. While the branded bread division, its market share is 5%. आप देख सकते हैं share जो market में इनका है वो बहुत ही कम है। It is small size prevents company from having a durable competitive advantage. तो आप clear देख सकते हैं ये इनके risk थे। अब आप देखिए जो इस प्राइस पे 288 पे ये लिस्ट होगा, जो ROE इनकी है FY20 की, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.92% है, रिवेन्यू 762 करोड़ था FY20 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 करोड़ था FY20 का, पोस्ट IPO प्रमोटर होल्डिंग जो आएगी 51% के आसपास आएगी, पोस्ट IPO मार्केट कैप जो होगा 1692 करोड़ के आसपास का होगा, जो डेप्ट है 101 करोड़ के आसपास की है एज ऑन 30th सितंबर, नेटवर्थ जो है 398 करोड़ की है एज ऑन 30th सितंबर, प्राइस टू अर्निंग रेशो 28.6 है TTM नेट प्रॉफिट का, तो बुक प्राइस टू बुक रेशो देखेंगे तो 4.7 है एज ऑन 30th सितंबर। तो रिटेल एलोकेशन जो है 35% है, आप देख सकते हैं जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 51% की है और रिटेल एलोकेशन 35% का है। कंपनी का अगर स्कोर देखें तो 28 में से पॉजिटिव जो 19 है, नेगेटिव जो है 9 है। नेगेटिव जो है कंपनी वाले बिजनेस जो रिस्क है वहां पर 5 है, फाइनेंशियल्स पे 2 है, वैल्यूएशन पे 2 है, तो 28 में से 19 पॉजिटिव है और 9 नेगेटिव है। कंपनी और बिजनेस को अगर देख लेते हैं, आर द कंपनी अर्निंग बिफोर टैक्स मोर देन 50 करोड़ इन द पास्ट 12 मंथ्स, नो, 39.2 करोड़ जो है इन्होंने मार्च 20 में दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। विल द कंपनी बी एबल टू स्केल अप इट्स बिजनेस, यस, ये स्केल अप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नए नए ब्रांड्स इनके पास हैं, 4 लाख के आसपास आउटलेट्स हैं, तो बिल्कुल स्केल अप कर सकते हैं। डज द कंपनी हैव द रिकॉग्निशनल ब्रांड्स विच इज ट्रूली वैल्यूड बाय इट्स कस्टमर्स, यस, बिल्कुल है, जो ब्रांडेड इनके प्रोडक्ट्स हैं, इनकी एक इमेज है, अच्छा ब्रांड है। तो डज द कंपनी हैव हाई रिपीट कस्टमर यूसेज, यस, द कंपनीज मेन प्रोडक्ट्स बिस्किट एंड बेकरी हैव ए वेरी शॉर्ट सेल्फ लाइफ एंड आर कंज्यूम्ड ऑन द डेली बेसिस। इन द बिस्किट डिवीजन द कंपनी इज मेनली ए रीजनल ब्रांड विद ए फोकस ऑन नॉर्थ इंडिया। ब्रिटानिया एंड मिस्ट्री बैक्ट्री आर द टॉप टू बिस्किट प्लेयर इन द प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम सेगमेंट्स इन पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तो देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स इनके काफ़ी बिकने वाले हैं। डज द कंपनी हैव ए क्रेडिबल मोट, नो, कंपनी
competes with big national players like Britannia, Parle and ITC in the biscuit segment. These three players together occupy around 65% of the branded biscuit market in India as compared to just 1% of the Mr. Bector. जो ITC, Parle और Britannia है 65% मार्केट शेयर इन्हीं के पास है और Mrs. Bector के पास जो है 1% के आसपास का मार्केट शेयर है. इवन इन द ब्रेड डिवीजन द कंपनी होल्ड्स ए मार्केट शेयर ऑफ जस्ट 5%. आप देख सकते हैं 5% का इनके पास शेयर है. इज द कंपनी सफिशियंटली रोबस्ट टू मेजर रेगुलेटरी और जियोग्राफिकल रिस्क? नो. द कंपनीज एक्सपोर्ट बिजनेस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 22% जो है बाहर से आता है और ये पहले भी वहाँ पर काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है वहाँ पे झेल चुके हैं और वहाँ से काफ़ी रिस्क है इनको. इज़ दी कंपनीज बिजनेस इम्यून फॉर इजी रेप्लिकेशन बाय न्यू प्लेयर्स? जैस. और भी काफ़ी प्लेयर्स इसके अंदर इजीली आ सकते हैं बट ब्रांड वैल्यू बनाने में काफ़ी टाइम लगता है जैसे इजीली दिखाया गया. हाउ आर द ब्रांड नेम एंड रिकॉग्निशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड ओवर द ईयर्स आर वेरी हार्ड फॉर न्यू प्लेयर्स टू बिल्ड, बट नए प्लेयर्स इसके अंदर आ सकते हैं. इज दी कंपनीज प्रोडक्ट able to withstand being easily substituted or outdated? Yes. जो नए नए players आते हैं और जो psychology है वो easily change हो सकती है. Company's main products are biscuit and bakery products. Although the products has been a premium because of the improving lifestyle. Lifestyle change होता है, the rising income level of consumer, they cannot substitute or outdated easily. Are the customers of the company devoid of significant bargaining power? No. रॉ मटेरियल होता है उसकी वजह से बार्गेनिंग पावर इसमें नहीं है. आर द सप्लायर ऑफ द कंपनी डिवर्ट टू सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर? येस. द प्राइमरी रॉ मटेरियल इंक्लूड रिफाइंड व्हीट, ऑयल, फ्लैट्स, शुगर. तो इसकी वजह से जो 53.5% है ऑफ FY20 रिवेन्यू इसी में से आया था. इज द लेवल ऑफ कंपटीशन द कंपनी फेसिस रिलेटिवली लो? नो. बिस्किट एंड ब्रेड कंपटीशन आर हाईली कंपिटिटिव. तो जिस सेक्टर में ये है हाईली कंपटीशन है, मार्केट शेयर बहुत ही कम है. ओवरऑल कंपनी का और बिजनेस का आपको ये पता चला. मैनेजमेंट कैसी है? डज एनी ऑफ द कंपनीज फाउंडर स्टिल होल्ड एटलीस्ट ए 5% स्टेक इन द कंपनी और डू प्रमोटर्स होल्ड more than 25 stake in the company? Yes. Following the IPO, the promoter group will hold 51.1% stake in the company. ये अच्छी चीज़ है कि 50% से ऊपर का स्टेक पोस्ट IPO भी रहेगा. Do the top three managers have more than 15 years of combined leadership in the company? Yes. MD Anup Bector जो हैं उनको 25 साल का एक्सपीरियंस है इसके इस फील्ड में और 10 साल से जो है CFO भी इस कंपनी में बने हुए हैं. तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है 10 साल से वो हैं और MD जो है 25 साल का एक्सपीरियंस है उनको इस कंपनी में. कोई सेबी के साथ कोई जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए वो इनकी बनी हुई है. जैस बिल्कुल बनी हुई है. कंपनी के ऊपर कोई लिटिगेशन वगैरह, कोई रेगुलेटरी केस वगैरह? येस. देर इज नो मटेरियल लिटिगेशन गोइंग ऑन द कंपनी. कुछ भी लिटिगेशन वगैरह नहीं है. इज द कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी स्टेबल? येस, बिल्कुल स्टेबल है. इज द कंपनी फ्री ऑफ प्रमोटर प्लेजिंग? येस. नन ऑफ दिस शेयर ऑफ हेल्ड बाय प्रमोटर आर प्लज्ड. कोई भी शेयर इसका प्लज नहीं है. 51.1% जो है प्रमोटर के पास रहेगा. 25 साल का एक्सपीरियंस MD को है. 10 साल से CFO बने हुए हैं. कोई भी लिटिगेशन नहीं चल रहा है. सेबी की गाइडलाइंस बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं. तो कंपनी बिल्कुल स्टेबल नजर आती है. अकाउंटिंग भी बिल्कुल, जो पॉलिसी है बिल्कुल स्टेबल है. तो अब एक और फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं. डिड द कंपनी जनरेट द करंट एंड 3-year रेवेन्यू रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ मोर देन 15% और रिटर्न ऑन कैपिटल ऑफ मोर देन 18%? नो. द लास्ट 5-year एवरेज ROE टिल मार्च 2020 स्टूड एट 14%. जो ROE है पिछले 5 साल की जो एवरेज है 14% है. Was the company operating cash flow positive during the previous year and at least 4 out of the last 5 years? Yes. Cash from operations stood at 109 crore and has been positive in each of the last 5 years. ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है. ROE जरूर कम है, last 5 years की जो average है 14% बहुत ही कम है, but still ठीक है. बट जो कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो दे रही है 109 के और हर साल में पॉजिटिव कैश फ्लो आया, ये अच्छी चीज़ है. डिड द कंपनी इंक्रीज इट्स रेवेन्यू बाय 10% CAGR इन द लास्ट 5 years? नो. द कंपनी ग्रो इट्स सेल बाय अराउंड 5.5% ड्यूरिंग द लास्ट 5 years टिल 20. जो कंपनी की ग्रोथ है 5.5% से हुई है. इज द कंपनीज नेट टू डेट टू इक्विटी रेशो लेस देन 1 एंड इट्स इंटरेस्ट रेशो कवरेज मोर देन 2? यस. डेट टू इक्विटी रेशियो 0.23 September 2020 में. 101 करोड़ का इनके ऊपर डेट है जो कि बनता है 0.23%. तो इज द कंपनी फ्री फ्रॉम रिलीजेंस
रिलायंस ऑन ह्यूज वर्किंग कैपिटल फॉर डे टू डे एक्टिविटीज, यस, कंपनीज वर्किंग कैपिटल स्टूड एट अराउंड 6% ऑफ द सेल्स एज ऑफ FY20। तो ऐसा कुछ इनको प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एक प्रॉब्लम है, वर्किंग कैपिटल डेज आर इंचिंग अप ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड स्टूड एट 35 डेज ऑफ मार्च 20। जो वर्किंग कैपिटल के दिन है, जो ये आगे पीछे से पैसा लेते हैं, वो 35 डेज के आसपास है। जो ये अपने कस्टमर्स को आगे माल देते हैं, उसका जो पैसा आता है, वो 35 डेज के आसपास का है। कैन दी कंपनी रन इट्स बिजनेस विदाउट रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल फंडिंग इन द नेक्स्ट 3 ईयर? यस, कंपनी अभी 40 करोड़ रुपया जो IPO से लगा रही है, उसको राजपुरा जो पंजाब में फैसिलिटी है उस पर लगाया जाएगा, और मध्य प्रदेश में जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है उसमें लगाया जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट 2023 में आएगा। दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 100 करोड़ एंड एंटायर अमाउंट विल बी फंडेड थ्रू इंटरनल अक्रल्स। हैव द कंपनी शॉर्ट टर्म बोरिंग रिमेन स्टेबल और डिक्लाइंड? यस, कंपनी हैज रिड्यूस इट्स शॉर्ट टर्म बोरिंग ओवर द ईयर्स एंड हैड 0 शॉर्ट टर्म बोरिंग एज ऑफ सितंबर 20। अच्छी चीज है ये, बहुत ही। इज द कंपनी फ्री फ्रॉम मीनिंगफुल और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी? यस, द इंटायर अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी स्टूड एट रफली 3.5% ऑफ द इक्विटी एज ऑफ सितंबर 20, विच इज नॉट प्रॉब्लमेटिक। अच्छी चीज है। स्टॉक की वैल्यूएशन भी एक बार देख लेते हैं। डज द स्टॉक ऑफर ऑपरेटिंग अर्निंग यील्ड ऑफ मोर देन 8% ऑन इट्स इंटायर वैल्यू? नो, द स्टॉक विल ऑफर यील्ड 5% पोस्ट IPO बेस्ड ऑन सितंबर 2020 नंबर। जो स्टॉक की यील्ड है वो 5% के आसपास निकल के आती है पोस्ट IPO। इज द स्टॉक प्राइस टू अर्निंग लेस देन इट्स पीयर मिडन लेवल? नो, IPO फॉलोइंग द IPO द स्टॉक विल बी प्राइस्ड एट अराउंड 55 times इट्स FY20 नेट प्रॉफिट, विच इज अराउंड इट्स पीयर्स मिडन PO 54। तो उसके आसपास ही है। हावर बेस्ड ऑन द TTM अर्निंग द PE रेशियो स्टैंड्स एट 28.6। तो एक बार पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं, किससे इसका कंपैरिजन है। ब्रिटानिया की ROE बहुत अच्छी है, 32.4, दिग्गज है। ITC 25.9, दिग्गज है। DFM 18 है, प्रताप स्नैक्स की 8 है, मिसेज वेक्टर की 9.9 है। आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 में फोर्थ नंबर पर ये आता है, ब्रिटानिया, देन ITC, फिर DFM और फिर मिसेज स्नैक्स का नाम आता है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.3 है। दो कंपनी ITC और प्रताप स्नैक्स डेट फ्री हैं, और बाकी ब्रिटानिया में 0.9 है, DFM में 0.4 है। ये अच्छी चीज़ है कि डेट इसके ऊपर कम है। ROE जैसे जैसे ये एक्सपेंड करेंगे बिजनेस को मध्य प्रदेश में, पंजाब में जो पैसा आ रहा है, रिवेन्यू बढ़ेंगे, मार्जिनस इनके पास हैं, मार्केट शेयर बढ़ेगा, रिवेन्यू बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी कम आएगा, ROE भी इंक्रीज होगा। नेट सेल आप देखेंगे तो ITC की सबसे ज़्यादा है, फिर ब्रिटानिया की है, प्रताप स्नैक्स की ज़्यादा है, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे मिसेज वेक्टर का नाम आता है। पी के देखेंगे तो DFM फूड की सबसे ज़्यादा है, और ब्रिटानिया स्नैक्स, प्रताप स्नैक्स और मिसेज वेक्टर 55 के आसपास ये दोनों काम कर रहे हैं, प्रताप स्नैक्स और मिसेज वेक्टर। तो ये थोड़ा सा पी रेशो जो है ज़्यादा लगती है। प्राइस टू बुक अगर देखेंगे ब्रिटानिया की 33 है, बाकी ये जो काम कर रहे हैं 4.7 के ऊपर काम कर रहे हैं प्राइस टू बुक। तो इस फील्ड में सबसे सस्ता जो प्रताप स्नैक्स है 2.6 पे काम कर रहा है, बाकी 4.5 पे ITC है, मिसेज वेक्टर 4.7 पर है। तो ये कंप्लीट है इस इनके जो स्ट्रेंथ है मैनेजमेंट की, बिजनेस की, किस सेक्टर में है, कितना मार्केट शेयर है, क्या फाइनेंशियल्स है, क्या डेट है इनके ऊपर, क्या रिस्क है इनके ऊपर। एक कंपनी में पैसा लगाने से पहले जानना जरूरी होता है, ये सभी पॉइंट्स हमने कवर किए इसके अंदर। अब आपको पता है कि क्या वैल्यूएशन है प्रमोटर की, क्या होल्डिंग आने वाली है, किस पर्पज से वो पैसा ले रहे हैं, क्या कंपनी के पहले के फाइनेंशियल्स रहे हैं, और क्या उनका आगे का फोकस है, कैसे कैसे वो अपने आउटलेट्स बढ़ाएंगे, कैसे कैसे रिवेन्यू बढ़ाएंगे, आपने कंप्लीट इसके अंदर देखा। अभी ग्रे मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है वो भी हम देख लेते हैं। मिसेज वेक्टर फूड ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉल्स टू 67%। ये पहले जो चल रहा था द ग्रे मार्केट प्रीमियम और मिसेज वेक्टर फूड इनिशियल पब्लिक ऑफर हैज फॉलन टू 67% आफ्टर जो क्लोजिंग हुई है उसके बाद। प्रीमियम 220 चल रहा था पहले 76% के आसपास का, जो लिस्ट होना था 220 रुपये ऊपर लिस्ट होता, जबकि अब जो है 190-195 पर जो है लिस्ट होने वाला है। तो जो लाइकली टू बी लिस्टेड एट 483 इंस्टेड ऑफ 508, जो पहले लिस्टिंग बताई जा रही थी 508 का प्रीमियम निकल के आ रहा था 76% का, जो कि अब 67% के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि प्राइस बनता है 483 के आसपास। तो जो लिस्ट हो सकता है ये शेयर 483 के आसपास हो सकता है, खुलने के बाद कितना ऊपर जाता है वो एक बार देखने की बात होगी। तो आपको
अब कंपनी का ओवरऑल सब चीज़ें पता चल गई हैं, क्या इनके फंडामेंटल है, फाइनेंशियल्स हैं, स्ट्रेंथ है, रिस्क है, कितने पे ये लिस्ट होने वाला है, और आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना है 28 तारीख से पहले पहले कि आपको अगर अलॉटमेंट आती है तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना है लंबे टाइम के लिए तो आप रखिए, और अगर आपको लिस्टिंग गेन लेके निकलना है तो आप माइंड प्रिपेयर कीजिए, जितने पे लिस्ट होता है ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद उसे लेके निकल जाइए। जैसे बर्गर किंग आईपीओ में हुआ है, 60 का शेयर 200 रुपये जाता है, बट बहुत से लोग अभी ये सोच रहे थे और बढ़ेगा और उसके बाद वो रिवर्स चलना स्टार्ट हुआ तो अब वो स्टक हो गए हैं। तो सिंपली आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना है लिस्टिंग गेन और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है तो लगा के भूल जाइए, अच्छा ग्रो कर सकता है शेयर, अच्छे प्रीमियम पे आएगा, और लिस्टिंग गेन लेना है तो यहाँ से पैसा जब भी लिस्ट हो अच्छा आपको मिलता है, आप निकल जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।